Okay, shall we begin now? Yes, ma'am. Okay, now see, once we have now calculated selling price per unit, now this is what we want because we are selling now. So come to the statement, how many units are sold? You have just written the buy output sold. How much units 43. Are? Yes, 43. So 43 into rate column, no? Into rate. So how much per unit is sold off? 204. Yes, 204. Rate column 204. Buy output sold units 43. Quantity 43. Rate 204. So how much will be the amount? What will be the amount? 8,772. 8,772. Very good. Now listen very carefully. Now sales is how much? 8,772. 72. So what will be the profit then? How to find out the profit? Very simple. How to find out the profit? सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दो. कैन यू टेल मी हाउ मच इज द कॉस्ट? बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना. हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड? 43. सेलिंग प्राइस 7,310. एक मिनट रुको. मे बी आपने सही बोला होगा पर मुझे पहले बता देने दो. ठीक है, देखो आपने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 43. हम 43 के बारे में ही सोच रहे हैं कि 43 यूनिट्स को बेचा तो 807772 में बेचा. तो 43 यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए ना मुझे. 43 टन्स को मल्टीप्लाई करेंगे सीपीयू के साथ. जैसे हमने एसपीयू के साथ मल्टीप्लाई किया ना, वैसे हम सीपीयू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगी कॉस्ट प्राइस. आप बोलो शिवानी, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 7,310 रुपीज. आया सबको ये क्लियर हुआ कैसे निकाला? Yes, मैंने ब्रैकेट आपको आपको चाहिए तो आप भी बना लोगे, क्योंकि नहीं तो फिर कभी कंफ्यूज हो जाओगे ना कि कहाँ से आया ये 7,310. अच्छा तो अब मुझे पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है. देखो सेल्स सेल्स ज्यादा कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ही तो होता है, बराबर है प्रॉफिट. बोलो कितना प्रॉफिट है? 1,462. अच्छा अभी इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्या मैम कि ये राइट है कि रॉन्ग है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. अब इसने क्या बोला था? 20% ऑन कॉस्ट. 20% ऑन कॉस्ट बोला था. प्रॉफिट के बारे में ये इंफॉर्मेशन उसने दे रखी थी, 20% ऑन कॉस्ट. तो क्या मैं इसको वेरीफाई कर सकती हूँ ये कॉस्ट का 1,462 राइट है कि रॉन्ग है? देखो हमारी कॉस्ट कितनी है, 7,310. कैलसी में डालो 7,310 इंटू 20%. हाँ मैम आया. देखो वेरीफाई हो गया ना, मतलब दोनों बाजू से वेरीफाई हो रहे. माइनस करने से भी सेल्स को कॉस्ट में से माइनस किया तो भी प्रॉफिट इतना ही आ रहा है, और कॉस्ट का 20% जो उसने बोला था सम में उसके साथ भी हमने कैलकुलेट करके देखा तो भी सेम आ रहा है. मतलब यहाँ तक हम लोग राइट चल रहे हैं, डेफिनेटली राइट चल रहे हैं, नहीं तो मैच ही नहीं होता था ना. आ रही है बात समझ में कि नहीं? मैम एक बार रिपीट बोलो कैसे करने का. मैम क्या रिपीट करूं शिवानी? कैसे वेरीफाई करने का कि राइट है कि रॉन्ग है? वैसे देखो उसने सम में क्या बोला था क्वेश्चन में कि प्रॉफिट जो है ना वो 20% ऑन कॉस्ट है. ये पढ़ो, लाइन पढ़ो, 20% ऑन कॉस्ट. तो हमारी कॉस्ट कितनी निकली? 7,310. अभी आपने ही बताया ना. हाँ मैम. हाँ तो 7,310 मेरी कॉस्ट प्राइस है. प्राइस का मतलब है पर यूनिट. मैं बोल रही हूँ हमारी कॉस्ट कितनी है 7,310, उसका 20% निकाल के देखो प्रॉफिट से मैच होता है कि नहीं होता है. ओके मैम. ये दूसरा तरीका है वेरीफाई करने का. पहला तो हमने खुद कैलकुलेट किया ना सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करके, फिर हमने वेरीफाई किया राइट है कि रॉन्ग है. आया मैम.
हाँ अभी देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, सेल्स तो हम दिखा चुके हैं स्टेटमेंट के अंदर 8772। कॉस्ट मुझे दिखानी नहीं होती है, कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट कितना आया, कितना लॉस हुआ वो दिखाना होता है। बोलो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये वाले प्रोसेस में? प्रॉफिट हो रहा है। तो आ जाओ प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में टू प्रॉफिट, लिखो टू कॉस्टिंग पीएनएल। आ जाओ स्टेटमेंट के अंदर, डेबिट साइड के अंदर लिखो टू कॉस्टिंग पीएनएल, टू कॉस्टिंग पीएनएल ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल्स, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल्स। और आपको चाहिए तो इसको वर्किंग नोट नंबर टू में दिखा दो, नहीं इसको वर्किंग नोट नंबर क्या दोगे, टू ए दे दो ना, ऐसे करो। ये हमने सेकंड वर्किंग नोट स्टार्ट किया था ना, तो जहाँ से आपने सीपीयू में प्रॉफिट ऐड किया है ना उसको दिखा दो टू ए, टू ए उसको सिंबल दे दो टू ए। ठीक है, मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आपको शो करना पड़ेगा ना ब्रैकेट में। अभी आप लिखोगे ना प्रॉफिट 1462, कहाँ पे लिखोगे, अमाउंट के कॉलम में, तो ब्रैकेट में लिख दो ये कौन सा वर्किंग नोट है, लिखो वर्किंग नोट नंबर 2A। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैम? हां मैम, ब्रैकेट में लिखो कहां से आया ये 1462, कहां से आया, वर्किंग नोट नंबर 2A। कॉस्ट प्राइस हमने 170 निकाली, 170 में 20% प्रॉफिट ऐड किया 34, तो सेलिंग प्राइस 204 मिल गया। 204 को हमने मल्टीप्लाई किया उतने टन्स के साथ जितने टन्स हम बेच रहे हैं, वो वर्किंग नोट नंबर 1 से पता चलता है, 43 को 204 से मल्टीप्लाई किया तो सेलिंग प्राइस मिलेगा जो कि हमको स्टेटमेंट में दिखाना है क्रेडिट साइड में 8772। कॉस्ट प्राइस से माइनस करके हमको प्रॉफिट निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमारी 170 थी, उसको 43 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट मिल गई, टोटल कॉस्ट वैल्यू मिल गई। उस वैल्यू को हमने सेल्स की वैल्यू से माइनस कर दिया तो हमको मिल गया प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट को मुझे डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा टू कॉस्टिंग पीएनएल। आया समझ में? हाँ मैम। अच्छा अभी हम क्लोज कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ हो गया। आप क्वेश्चन एक बार वेरीफाई करना चाहते हो कि सब कुछ हो गया कि नहीं, तो ये रहा क्वेश्चन, देखो रॉ मटेरियल इन टन्स एंड कॉस्ट पर टन हो गया था, वेजेस हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, सोल्ड अभी अभी दिखाया, और सोल्ड की वजह से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो भी दिखाया। नेक्स्ट प्रोसेस में जो ट्रांसफर करना है वो तो बैलेंसिंग फिगर आएगा मेरा, इनफैक्ट मुझे पता लगा नहीं कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्क्रैप वैल्यू पर टन, मतलब ये नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू था वो भी दिखाया, वेट लॉस भी दिखाया, नॉर्मल लॉस का क्वान्टिटी भी दिखाया, 20% ऑन प्रोसेस कॉस्ट पे हमने बेचा वो भी दिखा दिया। कुछ और बाकी है प्रोसेस वन में? कमॉन? नो मैम। नो, तो अभी हम क्या करेंगे इसको? टैली। क्लोज, वेरी गुड, क्लोज करेंगे। तो क्वांटिटी क्लोज कीजिए, मुझे बताइए कास्टिंग फिगर कितना आ रहा है, जल्दी फटाफट। 31,982। क्वांटिटी शिवानी, क्वांटिटी पूछा मैंने। हाँ हाँ, अगर देखो सबसे पहले क्वांटिटी क्लोज करने का, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो नेक्स्ट प्रोसेस में जो हमने वर्किंग नोट बनाया उससे मैच करना चाहिए ना इससे। अगर वो ही मैच नहीं हो रहा है तो अमाउंट को टैली करके करोगे क्या? मतलब क्या आना चाहिए आपका क्वांटिटी में? देखो मैंने हाईलाइट किया, क्या आना चाहिए बैलेंसिंग? आ रहा है 129 आ रहा है। हाँ, तो मतलब यहाँ तक हमारा राइट है, देखो ना आ रहा है ना। प्रोसेस 82 में मैं 75% ट्रांसफर कर रही हूँ तो वो क्वांटिटी कितनी है 129, और वाकई में क्लोज करने से भी अभी मेरा बैलेंसिंग फिगर 129 आ रहा है। सो क्लोज एंड गेट मी द अमाउंट कॉलम ऑल्सो, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ अमाउंट कॉलम ऑल्सो, क्लोज इट। कास्टिंग फिगर बोलो अमाउंट कॉलम की, 31,982। ओके, दोनों साइड लिखकर क्रेडिट साइड से माइनस करो और मुझे बताओ। 31,930। फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। 21,930 को डिवाइड करो 129 के टन से, तो
तो आपका सीपीयू से मैच होना चाहिए 170 170 आया मैम। अगर सीपीयू से मैच हो रहा है मतलब हमारा पूरा प्रोसेस वन राइट है। देखो हमारा प्रोसेस वन का सीपीयू कितना था, मैंने स्क्रीन पे हाईलाइट किया है 170। तो अब भी 170 आ रहा है दोनों को डिवाइड करने से। हाँ मैम आ रहा है। देखो करेक्ट है ना, मतलब कितना इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, बस यही सेम प्रोसीजर हमको प्रोसेस टू में भी करना है। चलो आ जाओ, अभी जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया उधर लिखो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू ए टू, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस ए टू। अगर यहाँ पे आउटपुट प्रोसेस टू ए टू लिखा तो ए टू में क्या लिखोगे? टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन अकाउंट, ए वन अकाउंट। टू इनपुट लिखो, मैं बताऊँ, टू इनपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए वन अकाउंट। सेम कॉपी करो, सेम एग्जैक्टली सेम 170 सॉरी कितना था 129 170 पर टन में, मतलब रेट के कॉलम में, और अमाउंट कितना था मुझे याद नहीं है अभी। 21,930 ओके 21,930 ओके। नाउ बेसिक, अभी आपका प्रोसेस टू में भी बेसिक रॉ मटेरियल है, प्रोसेस टू का भी बेसिक रॉ मटेरियल है। लिखो टू बेसिक रॉ मटेरियल, क्वांटिटी में कितना लिखना है बोलो तो। 71 वेरी गुड 71 वेरी गुड ओके। एंड हाउ मच इज कॉस्ट पर टन, रेट का कॉलम कितना है? 300 ये देखो ना 300। सो 71 इंटू 300 तो अमाउंट का कॉलम कितना हो जाएगा? आया सबका? यस मैम। ओके नाउ वेजेस 3,490 अमाउंट कॉलम डायरेक्टली। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो शॉर्ट फॉर्म्स, DW दैट इज वेजेस 3,490, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,400 आउटर कॉलम, सीधा अमाउंट की कॉलम में। हम सोल्ड को थोड़ा होल्ड पे रख रहे हैं, आ जाओ नॉर्मल लॉस पे। नॉर्मल लॉस की और वेट लॉस की क्वांटिटी देखो, नॉर्मल लॉस कितना क्वांटिटी रखता है? 16 और उसका 12. हाँ वेट लॉस का 12, पर जो नॉर्मल लॉस का 16 है उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? सेल ऑफ स्क्रैप पर टन 100 तो 16 इंटू 100 कितना हो जाएगा नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू? 1600। यस नॉर्मल लॉस के बारे में बात कर रही हूँ, नॉर्मल लॉस को 16 को मल्टीप्लाई करना है 100 पर टन से, तो आपका 1600 आएगा। वेट लॉस का क्वांटिटी कितना था? 12 ठीक है, उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है सब ने? नहीं नील कर दो, नील आएगा, नील कर अमाउंट भी नील, अमाउंट भी नील हो जाएगा। वेरी गुड, अब आ जाओ सोल्ड, अब हम बेचेंगे। लिखो बाय आउटपुट सोल्ड, यहाँ पे तो 50% दिया है पर मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से मिलेगा कितना बेचा क्वांटिटी? 86 वेरी गुड, आ जाओ क्वांटिटी में लिखो 86 और अब वर्किंग नोट बनाएंगे सेम एज इट इज, जैसे अभी हमने प्रोसेस वन का बनाया, प्रोसेस वन का जैसे बनाया ना बिल्कुल वैसे। पर पहले तो सीपीयू निकालना है ना, पहले तो मुझे सीपीयू निकालना है, तो निकालो सीपीयू, मुझे बताओ टीपीसी कितना है। टीपीसी कितना है? प्रोसेस टू का टीपीसी डेबिट साइड अमाउंट कॉलम का टोटल 49,120। इज इट करेक्ट एवरीबॉडी? प्लीज कंफर्म। यस मैम। ओके स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कितना है? 1600। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स। अब ध्यान देना इनपुट्स हमारे पास दो हैं, एक प्रोसेस ए वन से आया और एक खुद का मतलब प्रोसेस टू का, तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? 200 माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं?
16 और वेट लॉस के यूनिट्स कितने हैं 12 अभी देखो स्क्रीन पे सही लिखा हुआ है कि नहीं यस मैम तो मुझे बताओ अभी आपका न्यूमरेटर कितना है 47,520 डिवाइडेड बाय 172 तो आपका फाइनल आंसर सीपीयू कितना आएगा सीपीयू यस सीपीयू 76.28 पर टन अच्छा लेकिन है ना अब आपको एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इससे मिलता जुलता 2B उसको नाम दे दो 2B हमने पहले 2A दिया था ना अब लिखो 2B अब उसमें हम क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस निकालेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे सेलिंग प्राइस निकालेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे ठीक है ना अब देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे पहले तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है CPU is equal to 276.28 लिखे वेरी गुड वेरी गुड और प्रॉफिट कितना है 20% ऑन कॉस्ट ये 20% ऑन कॉस्ट सबके लिए कॉमन है हाँ तीनों प्रोसेस के लिए सेम है तो 276.28 का 20% कितना हो जाएगा 276.28 तो आपको कंफर्म है ना 276.28 करेक्ट है यस मैम यस मैम क्योंकि मैं आप पे डिपेंड हूँ आपके आंसर्स पे 276.28 इनटू 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 55.26 वेरी गुड 55.26 चलो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो मिल गया आपको सेलिंग प्राइस बोलो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है सेलिंग प्राइस तो मिल गया इंटू 86 क्यों किया मैंने क्योंकि क्वांटिटी 86 है ना आपको अमाउंट निकालना था इसके लिए क्वांटिटी कितना है 86 इनटू एक एक वन टन पर टन को कितने में बेच रहे हो 331.54 तो 86 को कितने में बेचोगे व्हाट इज द सेलिंग प्राइस सेलिंग सेल्स का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे बोलो वैल्यू कितना है 86 इनटू 331.54 चलो जल्दी फास्ट 28,501.24 0.44 छोड़ दो 28,512 बराबर है बराबर yes. है यस मैम यस मैम अच्छा तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे कॉस्ट कैसे निकालेंगे 86 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी को 276.28 से मल्टीप्लाई करेंगे सीपीयू से हाँ सीपीयू से वेरी गुड तो आपका कॉस्ट का वैल्यू कितना आएगा वैल्यू थोड़ा स्पीड में करो 86 इनटू 276.28 23,760 बराबर है अभी देखो सेलिंग प्राइस ज्यादा कॉस्ट प्राइस कम मतलब प्रॉफिट तो बोलो प्रॉफिट कितना 4,752 वेरी गुड 4,752 ये मेरा प्रॉफिट है तो चलो अभी स्टेटमेंट में आ जाओ ये वर्किंग नोट बना लिया प्रॉफिट भी निकाल लिया सेल्स भी निकाल दिया सब निकाल दिया अभी सिर्फ स्टेटमेंट में डालना है कैसे डालेंगे हमने आधे में स्टेटमेंट को छोड़ा था बाय आउटपुट सोल्ड हमने क्वांटिटी में लिखा था 86 रिमेंबर यस मैम यस मैम अभी 86 का पर यूनिट हमने कैलकुलेट किया ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना था सेलिंग प्राइस पर यूनिट
How much is selling price per unit? 331.54. Very good. 331.54. 331.54 को 86 के साथ हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा है ऑलरेडी. यस मैम. 28,512. वेरी गुड. 28,512 ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है. बार बार मत करो, टाइम वेस्ट. अच्छा, अगर अगर मेरा 28,512 सेलिंग प्राइस है और मेरा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट है 23,760, तो प्रॉफिट कितना होगा? 4,752 को कहाँ दिखाना है मुझे? डेबिट साइड में टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वेरी गुड, वेरी गुड. टू कॉस्टिंग पीएनएल 4,752. टू कॉस्टिंग पीएनएल 4,752. अब क्लोज करो. नोट टू बी. हाँ, वर्किंग नोट ब्रैकेट. वेरी गुड. ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट टू बी. वर्किंग नोट टू बी प्रॉफिट के ब्रैकेट में. अब इसको क्लोज करेंगे. क्वांटिटी को क्लोज करो पहले और मुझे बताओ क्वांटिटी कितनी आनी चाहिए. एक मिनट देखो यहाँ पे, आंसर करो मुझे. पहले मुझे ये वर्किंग नोट में देखकर बताइए, वर्किंग नोट नंबर वन में मुझे कितना बैलेंसिंग फिगर मिलना चाहिए जो प्रोसेस थ्री में जाएगा. कितना बैलेंसिंग फिगर मिलना चाहिए क्वांटिटी में? इधर देखो ना, ए टू में, ए टू में बैलेंसिंग फिगर क्या मिलना चाहिए? 86. वेरी गुड. ये 86 मिलना चाहिए ना, क्योंकि प्रोसेस थ्री में 86 जा रहे ए टू में से निकल के, तो 86 आना चाहिए. आपका आंसर चेक करो, आ रहा है 86 बैलेंसिंग फिगर? यस मैम. आया 86? Yes, ma'am, आया. हलीमा का आ गया. ओके, और किसका आया? बाकी सबका आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, आ गया. ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग अमाउंट के कॉलम को क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे. अमाउंट के कॉलम को क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर मुझे बताइए. सीधा बैलेंसिंग फिगर बताओ. 23,760. तो आप दोनों को डिवाइड करो और देखो सीपीयू से मैच हो रहा है. 276.28. सीपीयू से मैच हो रहा है, मतलब किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं. वी आर करेक्ट. सीपीयू से मैच हो गया ना, वी आर राइट. चलो अभी आज इसका टाइटल लिखोगे, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आया ना उसको लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस थ्री ए थ्री. बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस ए थ्री. अब आ जाओ ए थ्री में, लिखो टू इनपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए टू अकाउंट. टू इनपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस A2 account. Same, copy करेंगे वो वहां पे जो लिखा हुआ था, quantity, rate, amount सब same लिखेंगे. और अब question में देखो, इसके खुद का basic raw material है क्या? हाँ मैम. तो लिखो basic raw material. Very good. 264 quantity में लिखेंगे. Rate 250 दिया हुआ है already rate के column में. Then 264 into 250 is how much in the amount column? 264 into 250 in 66,000. 66,000, very good. Direct wages 2,850, the one that I have highlighted. आपको ये सीधा अमाउंट के कॉलम में दिखाना है, ठीक है ना? उसके बाद है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,820. 3,820. नेक्स्ट है आपका वेट लॉस, नॉर्मल लॉस. लिखो बाय नॉर्मल लॉस. क्वांटिटी कितना है इसका देखो, यहाँ से पता चलेगा वर्किंग नोट से.
बोलो इसका क्वांटिटी कितना है? 28. वेट लॉस का देख लो 21 है. हाँ, नॉर्मल लॉस 28, वेट लॉस 21. लेकिन 28 का स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है. 28 नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 120. सो 28 इंटू 120 तो नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू कितना आएगा अमाउंट के कॉलम में? 3,360. वेरी गुड, 3,360. और वेट लॉस में नहीं दिया हुआ है तो आप नील कर दोगे. अब आ जाओ बाय आउटपुट सोल्ड. बाय आउटपुट सोल्ड, अब ये तो बोलता है 100% सोल्ड है. ये क्या बोल रहा है? ये तो बोल रहा है 100% हमने बेच दिया, मतलब सारा का सारा बेच दिया. सारा बेच दिया ना आपने. हाँ ठीक है, लेकिन ये तो पता लगाना पड़ेगा ना प्रॉफिट कितना है. ये तो पता लगाना पड़ेगा, मतलब कितने यूनिट्स को बेचा. 301, 100% सोल्ड. 301 को बेच दिया. तो क्वांटिटी में तो पहले क्या लिखेंगे? क्वांटिटी तो पता है ना, क्वांटिटी कितना है? 301. ओके, क्वांटिटी मुझे पता है 301 है, क्योंकि वो बोलता है 100% सोल्ड. ठीक है, लेकिन ये थोड़ी पता है प्रॉफिट कितना है. तो अब मुझे सीपीयू कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए A3 का सीपीयू. उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा A3 का टीपीसी. टीपीसी बताइए A3 का. कम ऑन क्विकली. Yes. How much? 96,430. 96,430. Minus करेंगे हम इसको scrap value of normal loss के साथ. 3,360. What is input units? Input units दोनों के लेने हैं, जो A2 से आया और उसका खुद का A3 का खुद का. तो दोनों को प्लस करके कितने इनपुट यूनिट्स हैं डेबिट साइड? 350. माइनस नॉर्मल लॉस एंड वेट लॉस के यूनिट्स कितने हैं? 28 नॉर्मल लॉस, 21 वेट लॉस. ठीक है, अभी न्यूमरेटर बताइए माइनस करके. 301. सॉरी सुनाई नहीं दिया. 96,430 माइनस 3,360 कितना बोला आप लोगों ने? 93,070. करेक्ट है? यस मैम. और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 350 माइनस 301. सो आपका सीपीयू कितना आ रहा है? 309.20. करेक्ट है, सबका आ रहा है? यस मैम. यस मैम. अगर ये मेरा कॉस्ट प्राइस है तो हम 2C करके हम एक और वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें हम प्रॉफिट के साथ निकालेंगे सेलिंग प्राइस. 2C का वर्किंग नोट बनाओ. तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकाली हमने? 309.20. ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20% ऑन 309.20. 61.84 को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? हाउ मच इज द सेलिंग प्राइस? 371.40. नहीं, रिपीट अगेन. 371.04. Okay. So this is my selling price. Okay. Now, how many units are sold? 301 into what is the selling price per unit? 371.04. So what is the amount after multiplication?
या टेल मी अच्छा तो कॉस्ट भी ऐसे ही निकालेंगे, सिर्फ कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. कॉस्ट प्राइस के लिए 301 की क्वांटिटी ले लेंगे और कॉस्ट प्राइस का पर यूनिट है 309.20. So how much would be your amount? 93,069. Correct है ये इतना? Yes ma'am. Sure. Profit बताइए, profit. Profit कितना आ रहा है? 18,614. अभी सही है इतना? Yes, ma'am. अच्छा अभी क्या करेंगे देखो, अभी हमने सम को आधे में छोड़ा था, सेल्स भी मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया, एवरीथिंग फाउंड आउट. अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे. स्टेटमेंट में आपने लिखा था बाय आउटपुट सोल्ड 301 यूनिट्स, यहाँ तक हमने आधे में छोड़ा था. अभी उसका रेट कितना है, 301 का रेट कितना निकाला हमने, 371.04. लिखो 371.04 और दोनों को मल्टीप्लाई हमने ऑलरेडी किया है. ये देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा है, सिर्फ आप अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में दिखाइए. 111,683 ये अमाउंट के कॉलम में शो करना है आपको. उसके बाद प्रॉफिट भी आया तो प्रॉफिट किधर दिखाना है बोलो, डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2C. वर्किंग नोट 2C आपको चाहिए तो एक और ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑन सेल मतलब हमने बेचा तब प्रॉफिट हुआ. तो ब्रैकेट सॉरी आउटर कॉलम मतलब अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 18,614. अब देखो मेरी बात सुनो, अब है ना ये सम अभी ये ना प्रोसेस 3 है जो कि टैली होगा, जो कि टैली होगा. देखो टैली करो, कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हमने सारे के सारे यूनिट्स बेच दिए ना. देखो टैली करो, यूनिट्स टैली हो रहे हैं, यूनिट्स क्वांटिटी कुछ बचा हो क्या? नहीं बचा. पहले मुझे बताओ क्वांटिटी में कुछ बचा है क्या? नहीं मैम. हाँ तो सही भी है ना, बचेगा भी नहीं. ये देखो 100% सोल्ड, हमने सारा का सारा बेच दिया ना, तो बचना चाहिए भी नहीं. अगर इनफैक्ट बच रहा है तो आपका रॉन्ग है. तो 301 दोनों साइड सेम आ रहा है, 305 मतलब 350 आ रहा है दोनों साइड सेम. हाँ मैम आ रहा है. हाँ उसके बाद आपका अमाउंट का कॉलम भी टैली होना चाहिए. अगर टैली हो रहा है ना तो ये सम राइट है. मैम अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड में ना 115,044 आ रहा है और इधर 43 आ रहा है क्रेडिट साइड में. नहीं मैंने नहीं समझा बच्चा, फिर से बोलो. डेबिट साइड में कितना? डेबिट साइड के अमाउंट में 115,044 आ रहा है. ओके और क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड 115,043. अरे एक रुपए का फर्क आ रहा है ना. वन रुपी का फर्क है ना. हाँ तो मतलब टैली हो रहा है ना, ये 1 रुपी का फर्क है. आप कहीं एक काम करो ना, प्रॉफिट में 15 रुपए बना दो ना. 614 रुपए था ना प्रॉफिट. हेलो सुनाई दे रही आवाज? प्रॉफिट कितना था? 18,614 रुपए था. अब उसको 18,615 रुपए बना दो, टैली हो जाएगा. 1 रुपया बढ़ा दो प्रॉफिट का, क्या फर्क पड़ता है? तो मैम इधर 115,045 होगा ना. अच्छा तो प्रॉफिट को मत बढ़ाओ, रुको प्रॉफिट को मत बढ़ाओ, प्रॉफिट को 1 रुपया कम कर दो. प्रॉफिट को एक, आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रही हूँ? आपका जहाँ 1 रुपया ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, प्रॉफिट को एडजस्ट करो ना. किया मैम किया. हाँ मतलब अभी डेबिट साइड भी 43 आएगा, क्रेडिट साइड भी 43 आएगा. प्रॉफिट को 18,613 बना दो, 14 से 614 रुपए में से 613 रुपए कर दो. 1 रुपया मुझे दे दो तुम लोग,
ठीक है चलेगा दिव्या, 1 रुपया देगी? हाँ बोल रही है चलो ठीक है, एनीवेज टैली हो गया आपका, मतलब करेक्ट है। ठीक है अभी ये वाला टाइप समझ में आया सबको? कुछ डाउट है इस टाइप में? नहीं मैम। आपका? हाँ मैम। ओके सो शैल वी वाइंड अप नाउ? यस मैम। प्लीज आपको सम पर फिर से एक बार प्रैक्टिस करना है ना, एक और बार प्रैक्टिस करना, ठीक है? फिर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। थैंक यू मैम, बाय मैम। मोस्ट वेलकम, बाय। मैम मैं कल डाउट पूछूंगी। हाँ हाँ पूछना पूछना, कल डाउट पूछ लेना। अभी ना मेरा दूसरा लेक्चर, मैं लेक्चर में लेट जॉइन हुई। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग पहले सुन फिर डाउट पूछ। अगर रिकॉर्डिंग बिना सुने करेगी ना तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी, पूरा पहले रिकॉर्डिंग सुनो, उसके आज ही मैं अपलोड करूंगी थोड़ी देर में, पहले रिकॉर्डिंग सुन लो फिर कुछ डाउट होगा तो क्लियर कर लूंगी, ठीक है? अतिफा ओके? ओके मैम। हाँ जी ओके, बाय एवरीबॉडी। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू। बाय बाय बच्चों, बाय।